हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएस एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशंस एंड बेसिक नॉलेज। इसका टॉपिक नंबर है 27, द स्टेटिव वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब। ये दोस्तों 11th क्लास की न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश की बुक है, तो ये भी सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है 27, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलो जरा दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टेटिव वर्ब क्या होती है? दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज़ जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, उनका यूज़ केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। अब जैसे वर्ब कौन कौन सी होती हैं उसे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट है फील। फील मीन क्या होता है? महसूस करना, महसूस करना। अब इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में ही करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह एक महान आदमी बनेगा। तो ये वर्ब हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो रही है, इसलिए यह हमारी स्टेटिव वर्ब है। नंबर 2 एग्जांपल लो, सी। सी मीन क्या होता है? सी मीन होता है देखना। अब जैसे कि एग्जांपल लो, वी सी With our eyes, हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो जो वर्ब है सी, वो कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब। अब एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे हियर, एच ई ए आर। हियर मीन क्या होता है? सुनना। तो हियर मीन दोस्तों सुनना होता है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि वी हियर, एग्जाम्पल लूँ मैं, We hear with our ears, हम अपने कानों से सुनते हैं। तो ये वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो रही है, इसलिए ये वर्ब भी हमारी नॉन कंक्लूसिव वर्ब हुई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे कि स्मेल। स्मेल मीन क्या होता है? महकना। जैसे कि एग्जाम्पल, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ये है कि फूल जो है बहुत स्वीट महकते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ब जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं हो रहा है, फील, सी, हियर, स्मेल, ये वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब यह नॉन कंक्लूसिव वर्ब होगी। अब आप इस वक्त एक बात सोच रहे होंगे कि हमने तो ये वर्ब काफ़ी बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होते हुए देखे हैं। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा होगा, क्योंकि ये वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती हैं, लेकिन उस कंडीशन में इनका जो मीनिंग होता है वो ये नहीं होता, उनका मीनिंग कुछ और ही होगा, तब हम इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फील में महसूस करना है, एक फील का मीनिंग जांचना भी होता है, फील में जांचना। तो जहाँ फील का मीनिंग जांचना होगा, हम वहाँ पर इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स। डॉक्टर जो है नब्ज की जांच कर रहा है, जो नब्ज हमारी होती है, जब हमें कभी फीवर आता है तो जो डॉक्टर हमारी नब्ज जांच करता है, तो डॉक्टर जो है नब्ज की जांच कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे सी माने देखना, और सी माने दूसरा मीनिंग मिलना भी होता है। यदि जहाँ पर सी का मीनिंग मिलना होगा, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि
आई एम मीटिंग हर टुडे, मैं आज उससे मिल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हियर माने सुनना और हियर माने सुनवाई करना भी होता है। यदि हियर का मीनिंग जहाँ सुनवाई करना होगा, सुनवाई करना, तो वहाँ पर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि जज इज हियरिंग द केस, जज केस की सुनवाई कर रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है। वैसे ठीक स्मेल माने महकना होता है और स्मेल माने सूंघना भी होता है। स्मेल मीन सूंघना, जहाँ पर स्मेल का मीनिंग सूंघना होगा वहाँ पर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही इज स्मेलिंग द रोज, वह रोज को जो है सूंघ रहा है। तो दोस्तों एक पॉइंट आपके क्लियर हुआ, वे वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिनका यूज नहीं होता है, ठीक है, वो वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब कही जाती है। लेकिन यदि उन वर्ब्स का मीनिंग कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, ठीक है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड मीनिंग का कोई एक मीनिंग फिक्स नहीं होता है, उसके काफी सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, दोस्तों स्टेटिव वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब हमारी काफ़ी सारी होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। जैसे बिलीव, कंटेन, कॉस्ट, डिज़ायर, डिसलाइक, डाउट, फॉरगेट, हेट, नो, लाइक, ओन, परसीव, प्रीफर, रिमेंबर, टेस्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट, विश, दीज आर द वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही एंड